जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। मई के महीने में मंगलदेव, सूर्यदेव और शुक्रदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है, जो कि आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इन सभी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यदि आप अगले महीने भी अपने वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर जल्दी चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे आपको भी लाभ हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। हम इस वीडियो में सिर्फ कर्क लग्न के जातकों के लिए मई 2022 कैसा रहेगा, सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो के अलग अलग सेक्शन में हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा, आपके फाइनेंस संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा, आपके रोमांस संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा, आपके फैमिली संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा, आपको किस रंग के वस्त्र किस दिन धारण करने से लाभ हो सकता है और किस दिन आपको किस रंग के वस्त्र धारण नहीं करने, और अंत में हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें मई के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और यदि आप अपनी कुंडली हिंदी में देख रहे हैं तो प्रथम भाव में LA के स्थान पर हिंदी में ल लिखा होगा, तो यह मासिक राशिफल मई 2022 आपके लिए है। बाकी सभी लग्न के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों के लिए मई का महीना आपके कैरियर संबंधित कैसा रहेगा। 1 से 14 मई तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी। जैसा आप देख रहे हैं, वर्तमान समय में शनिदेव और मंगलदेव की युति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, शुक्रदेव और गुरु आपकी कुंडली के नवम भाव में है, राहु और सूर्य आपकी कुंडली के दशम भाव में है, केतु आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और बुध आपकी कुंडली के 11वें भाव में। चलिए चर्चा करते हैं कि इन सभी ग्रहों का आपके कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस समय में राहु और सूर्य का ग्रहण दोष आपकी कुंडली के कर्म भाव में बना हुआ है, जिसके कारण आपके कर्म स्थान पर आपके ऑफिस में किसी प्रकार का तनाव बढ़ता दिखाई देगा। आप इस समय किसी प्रकार की बहसबाजी से स्वयं को दूर रखें आपके लिए उचित रहेगा। यदि हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो ये समय आपको किसी प्रकार का कुछ नया अवसर आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में भी दिलवा सकता है। यदि आप पिछले कुछ समय में नौकरी ढूंढ रहे थे और वो नौकरी यदि आप विदेश में ढूंढ रहे थे, अथवा हम कहें आप अपने जन्म स्थान से दूर किसी प्रकार की नौकरी ढूंढ रहे थे या किसी प्रकार का बिजनेस आप अपने जन्म स्थान से दूर करना चाह रहे थे, तो ये समय इस प्रकार के कार्यों के लिए सकारात्मक फल आपको दे सकता है। जो जातक किसी प्रकार का वाहन खरीदना चाहते हैं अथवा आप किसी प्रकार के घर में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें आपको किसी प्रकार का तनाव बढ़ सकता है। आप किसी प्रकार का घर खरीदते समय उसके डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से चेक करें, अन्यथा ये आपको किसी प्रकार के लीगल इश्यू में भी फंसा सकता है। राहु और सूर्य की दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर होने के कारण ये समय ऐसे जातकों को थोड़ा तनाव दे सकता है। जो जातक अपने जन्म स्थान पर ही कार्य कर रहे हैं अथवा आप किसी प्रकार का बिजनेस अपने जन्म स्थान पर कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। इस समय में शुक्रदेव मीन राशि में है, आपकी कुंडली के नवम भाव में है, जिसके कारण ये समय आपको किसी प्रकार का कुछ अकस्मात लाभ देने में सक्षम हो सकता है। ये समय आपको आपके भाग्य द्वारा कुछ अकस्मात सकारात्मक फल मिल सकते हैं। यदि आपने पहले कहीं नौकरी के लिए किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू दिया था तो उसमें आपको अकस्मात सकारात्मक फल मिल सकते हैं। आपने यदि अपने बिजनेस में किसी प्रकार का कोई टेंडर भरा था तो उसमें आपको किसी प्रकार के सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। वर्तमान समय में गुरु आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है, जहां से गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर, लग्न भाव पर और कुंडली के पंचम भाव पर होगी। आपका आत्मविश्वास यहाँ बढ़ता दिखाई देगा। आपके छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार के कार्य में सफलता मिलेगी। ये समय आपको आपके भाग्य संबंधित कुछ लाभ भी दिलवा सकता है। ये समय आपकी सोच में एक स्थिरता प्रदान करेगा। आपकी नौकरी में, आपके कार्य में यात्राएं होने की संभावना भी बढ़ सकती हैं। इस समय में आप किसी प्रकार के धार्मिक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं। किसी प्रकार के धार्मिक कार्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय सकारात्मक समय रहेगा। आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता में विकास होगा। वर्तमान समय में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, जिसके कारण ये समय आपको किसी प्रकार का अकस्मात लाभ दे सकता है। जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं, जो जातक रिसर्च से जुड़े हैं, अर्थात यदि आप शोध से जुड़े हैं, आप यदि
किसी प्रकार का कोई फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, आप कृषि से जुड़े हैं, फार्मिंग से जुड़े हैं, तो इस प्रकार के कार्यों में आपको कुछ अकस्मात लाभ मिलता दिखाई देगा। वर्तमान समय में शनिदेव स्वराशि होकर आपकी कुंडली का अष्टम भाव में है। शनिदेव का अष्टम भाव में होना आपके व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव लेकर आ सकता है। हो सकता है आप अपना ध्यान भिन्न भिन्न दिशाओं में लगाना प्रारंभ करें, ये आपको थोड़ा आलसी भी बना सकता है। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। ये आपको आपकी फैमिली से, आपके परिवार से दूर लेकर जा सकता है, अर्थात हो सकता है आपकी नौकरी कहीं दूर लगे, हो सकता है आपकी नौकरी में आपको ट्रांसफर मिले। देखिए, इस समय में शनिदेव और मंगल की युति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हम अपने स्वास्थ्य संबंधी सेक्शन में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 15 से 21 मई तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी, जैसा आप देख रहे हैं। इस समय में सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव से आपकी कुंडली के लाभ भाव में होगा, जिसके कारण ग्रहण दोष आपकी कुंडली के कर्म भाव से समाप्त होगा। इस समय में जो तनाव आप अपने कार्यस्थान पर महसूस कर रहे थे, वो तनाव आपका कम होता दिखाई देगा। आपकी नौकरी को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर यदि किसी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस बना हुआ था, वो कम होने की संभावना भी यहाँ बनती है। यदि इस प्रकार की संभावना बन गई थी कि आप अपनी वर्तमान नौकरी से परेशान होकर नौकरी बदलने की सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो उसमें भी कमी आएगी। आपकी समस्या वर्तमान नौकरी में सुलझती दिखाई देगी। इस समय में आपकी कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी आपकी कुंडली के लाभ भाव में है, जिसका आपके फाइनेंसेस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हम अपने फाइनेंस संबंधी सेक्शन में आगे चर्चा करेंगे। 21 से 31 मई तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी, जैसा आप देख रहे हैं। इस समय में शुक्रदेव का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव से आपकी कुंडली के दशम भाव में होगा और मंगलदेव का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव से आपकी कुंडली के नवम भाव में होगा। इस समय राहु और शुक्र की युति आपकी कुंडली के कर्म भाव में है, जिसके कारण जो जातक मीडिया से जुड़े हैं, जो जातक कॉस्मेटिक के कार्य से जुड़े हैं, जो जातक इंटीरियर डिजाइनिंग के कार्य से जुड़े हैं, जो जातक ज्वेलरी के बिजनेस से जुड़े हैं, इस प्रकार के जातकों को कुछ सकारात्मक फल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ये समय आपको आपकी नौकरी के साथ कुछ और कार्य करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, अर्थात आप नौकरी के साथ किसी प्रकार का कोई बिजनेस करने के बारे में भी सोच सकते हैं। वर्तमान समय में मंगलदेव आपकी कुंडली के नवम भाव में होंगे और मंगलदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं, जिसके कारण मंगलदेव का गोचर कर्क लग्न के जातकों के जीवन में बहुत महत्व रखता है। मंगलदेव के इस गोचर के कारण आपकी यात्राएं आपके कार्य में बढ़ सकती हैं, आपके मस्तिष्क में कुछ नया आइडिया क्लिक कर सकता है, कुछ नए सकारात्मक विचारों का प्रभाव होगा। किसी प्रकार के नकारात्मक विचार आपके कैरियर को लेकर यदि बने हुए थे, वो दूर होंगे। आप में यदि आलस बन गया था, तो उसमें भी कमी आती दिखाई देगी। तो ये था आपके कैरियर संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। 20 मई तक शनिदेव और मंगलदेव की युति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, जिसके कारण 20 मई तक का समय ऐसे जातकों को सावधान रहना होगा जिन्हें पेट के निचले हिस्से से संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारी है। यदि आपको पाचन संबंधित कोई समस्या है, वो आपको अधिक परेशान कर सकती है। यदि आपको रक्त से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो थोड़ा सावधान रहें। जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनके लिए भी 20 मई तक का समय बहुत अधिक सावधान रहना होगा। आप इस समय किसी भी ऐसे कार्य को ना करें जिससे आपके स्वास्थ्य पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। आपको क्या उपाय करने हैं, मैंने उपाय सेक्शन में बताए हैं, आप वो अवश्य करें, आपको लाभ मिलेगा। तो ये था आपके स्वास्थ्य संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके फाइनेंस संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। 1 से 10 मई और 22 मई के बाद का समय आपके वित्त के लिए सकारात्मक समय रहेगा। पिछले कुछ समय से किसी प्रकार का तनाव यदि आपके वित्त को लेकर बना हुआ था, वो यहाँ दूर होगा। आप पर यदि किसी प्रकार का कोई लोन चल रहा है, तो उससे भी आपको राहत मिलती दिखाई देगी। परंतु 12 से 20 मई तक का समय आपके खर्चे बढ़ते दिखाई देंगे। आपके खर्चे आपके स्वास्थ्य को लेकर हो सकते हैं, थोड़ा सतर्क रहें। 2 से 4 मई और 24 से 26 मई तक आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है। हो सकता है ये लाभ आपको आपके पिछले किसी निवेश के द्वारा प्राप्त हो, और यदि आपने किसी को उधार दिया था, तो वहां से भी आपको ये लाभ मिलता दिखाई देगा। तो ये था आपके फाइनेंस संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके रोमांस संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, जो लोग सिंगल हैं, वो 17 से 21 मई के बीच किसी प्रकार के रिलेशनशिप में, अर्थात आप किसी प्रकार के प्रेम संबंध में यहाँ पड़ सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं,
तो आपके लिए 17 मई तक का समय उतना सकारात्मक समय नहीं है। आपका मानसिक तनाव आपके रिलेशनशिप को लेकर बढ़ सकता है। आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इस समय आपके व्यवहार में बदलाव भी आ सकता है। इस समय आपको छोटी से छोटी बात पर क्रोध आ सकता है। थोड़ा संयम रखें। तो ये था आपके रोमांस संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके परिवार संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। 16 मई तक का समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए उपयुक्त समय नहीं है। ये समय आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बहुत अधिक बढ़ा सकता है। आपको दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की बातों को भी महत्वता देनी होगी। देखिए, इस समय में आप छोटी छोटी बात को लेकर तनाव में आ सकते हैं। आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ सकता है, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता दिखाई देगा। थोड़ा संयम रखें। 1 से 12 मई तक का समय आपके घर में किसी भी बात को लेकर तनाव अत्यधिक बढ़ सकता है। आपकी माता और आपके पिता के साथ संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। ये तनाव आपके आपसी मतभेद के कारण हो सकता है। ये तनाव आपकी माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी हो सकता है। थोड़ा सतर्क रहें। 18 मई तक का समय आपका आपके रिश्तेदारों के साथ भी तनाव बढ़ने की संभावना बनती है। तो ये था आपके परिवार संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस दिन आपको किस रंग के वस्त्र धारण करने से लाभ हो सकता है और किस दिन आपको किस रंग के वस्त्र धारण नहीं करने। 1 से 12 मई तक का समय आप लाल रंग, नारंगी रंग और हरे रंग के वस्त्रों से स्वयं को दूर रखें, ना धारण करें। इस महीने में यदि आप 7 से 9 मई और 24 से 26 मई को सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी रह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें मई के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप 20 मई को प्रातः 5:30 से शाम 7 बजे के बीच 250 ग्राम गुड़ और आटा किसी गौशाला में दान करें। आप 15 मई को प्रातः 5:45 से शाम 6:50 के बीच भैरव जी के मंदिर में तिल के तेल का दिया अवश्य जलाएं और इस दिन आप हरे रंग के वस्त्रों का दान किसी गरीब को करें। आप प्रत्येक शनिवार को ₹5 अथवा ₹10 के सिक्के का दान किसी मंदिर में अथवा किसी गरीब को करें। आपने सिक्के का दान करना है, कागज के नोट का दान नहीं करना। आप रोज सूर्यास्त के बाद कुत्तों को अथवा मछलियों को भोजन अवश्य करवाएं। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें 13 मई और 27 मई को प्रदोष व्रत करना है। इस दिन आप सूर्य उदय होने से पूर्व उठें, स्नान करें, शिव मंदिर जाएं, वहां बैठकर आपने 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपने करना है। इस दिन आप शिव चालीसा पढ़ें, छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विवाह आदि में जो भी अड़चने आप फेस कर रहे हैं वो आपकी दूर होती दिखाई देंगी। तो ये थे वो महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें मई के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था कर्क लग्न के जातकों के लिए मई 2022 कैसा रहेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।